दोस्तों नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन न्यूज़ में तो यूपी के फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के संबंध में एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर के सामने आ रही है जी हां दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के विषय में आप लोगों को बताने वाले हैं कब आप लोगों को टैबलेट मिल सकता है जी हाँ दोस्तों इंतजार खत्म हो गया है रजिस्ट्रेशन की जानकारी और लाखों छात्रों के लिए महाखुशखबरी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा पूरी और बड़ी खबर आप लोगों को बताने वाले हैं लेकिन दोस्तों पूरी खबर देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है अगर आप भी स्मार्टफोन और टैबलेट की हर जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को पल पल की अपडेट सबसे पहले मिल सके तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लाइव की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो इसका लोगो है वो भी दिखा देते हैं और हिंदुस्तान जो न्यूज़ है दोस्तों उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस न्यूज़ है और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं योगी सरकार दिसंबर से बांटेगी फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन जाने कहाँ तक पहुँची है तैयारी तो बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि दोस्तों दिसंबर से आप लोगों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने वाला है तो बहुत बड़ी खबर दोस्तों निकल करके सामने आ रही है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूपी में फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए इंतजार दो सौ जल्द खत्म हो सकता है और दिसंबर में दोस्तों जो इंतजार है वो खत्म होगा योगी सरकार की तैयारी है कि अगले महीने इसका विवरण शुरू कर दें इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जी हाँ दोस्तों तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है यानी कि दोस्तों दिसंबर में आप लोगों को टैबलेट भी मिल जाएगा और जो मोबाइल फोन है जिन छात्रों को मोबाइल फोन मिलना है उन्हें मोबाइल फोन मिलेगा और जिन्हें दोस्तों टैबलेट मिलना है उसे टैबलेट मिलेगा और दोस्तों किसे किसे टैबलेट मिलेगा किसे स्मार्ट मिलेगा स्मार्टफोन इसका जो निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आवेदन के लिए जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक विद्यार्थियों का डाटा फीड करने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों को होगी यानी कि दोस्तों जो आप लोगों का डाटा है वो आप लोगों का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी है कि वो आपका सही सही डाटा जो है दोस्तों जो वेबसाइट है दोस्तों उस पर यहाँ पर अपलोड करेगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डाटा फीडिंग के बाद यहाँ पर योजना में पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने की जो जानकारी है दोस्तों सीधे मोबाइल पर दी जाएगी तो एक बहुत अच्छी खबर है बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हर छात्र को लाभ देने की कोशिश है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस योजना का लाभ देने के लिए योगी सरकार हर जिले में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी इसमें छह सदस्य होंगे जो शिक्षण संस्थानों की सूची तैयार करेंगे उन्होंने ये दोस्तों ये ये दोस्तों दोस्तों भी बताया कि स्मार्टफोन या टैबलेट पोर्टल के जरिए ही दोस्तों खरीदे जाएंगे जैम पोर्टल ही नोडल एजेंसी होगी यह टैबलेट या स्मार्टफोन किन किन युवाओं को दिए जाएंगे इसकी भी पात्रता दोस्तों यहां पर तय की जाएगी और यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किन्हें किन्हें दोस्तों पर टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्लम्बर कारपेंटर नर्स इलेक्ट्रीशियन एसी मैकेनिक आदि को भी टैबलेट और जो दोस्तों स्मार्टफोन है वो दिए जाएंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और जितने भी बच्चे जो स्नातक में पढ़ रहे हैं पर स्नातक में पढ़ने चाहे वो बी हो बी हो बी हो एम हो एम हो एम हो, हो या फिर दोस्तों एम हो सभी छात्रों को दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन या टैबलेट दोस्तों दिए जाएंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट प्रदान किया जाएगा और किसे स्मार्टफोन दिया जाएगा इसका निर्णय दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण और चरणबद्ध क्रय के संबंध में भी जो दो सौ निर्णय है वो मुख्यमंत्री जी के स्तर से ही दो सौ लिया जाएगा तो यहां पर दोस्तों जो बड़ी जानकारी है वो निकल करके सामने आ रही है आप लोगों का इंतजार दोस्तों जल्दी खत्म होने वाला है और पल पल की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर अपडेट मिल सके फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही जय हिंद जय भारत